ओ हेलो दोस्तों, आपने बहुत वीडियोस में इस तरह से देखा हुआ होगा कि उनके नीचे में एक वाटर मार्क आता है, यानी उनके चैनल का लोगो या फिर जो फ़ोटो वो लगाना चाहते वो आता है। तो वैसा वो लोग कैसे करते हैं? आप ये सोचते होंगे कि वो हर वीडियो में अलग से लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो हर वीडियो में अलग से नहीं लगाते। आप मेरे ही वीडियोज़ ले लेंगे, अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो उसमें आपको दिखेगा कि नीचे में एक वाटर मार्क आ रहा है। हेलो दोस्तों, तो ग्रीन स्क्रीन कैसे बनाते हैं ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। उसको बनाने के लिए तो बेसिकली आपको इस तरह का एक ग्रीन कलर का चादर चाहिए ही होगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के समय में आप कहीं तो ये ऐसा वाटर मार्क मैं हर वीडियो में नहीं ऐड करता हूँ पर्सनली। ऐसा वाटर मार्क अपने आप हर वीडियो का अपलोड होते ही आ जाता है। जी हाँ, हर वीडियो के अपलोड होते ही। तो अगर आपको जानना है कि ये हर वीडियो में अपलोड होते ही कैसे आता है, तो उसके लिए पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में आ गए। हम लोग अपने में क्या करना है, आपको आपके मोबाइल में जहाँ पे क्रोम है क्रोम खोल लेना है। फिर क्रोम मैंने खोल लिया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आपको सर्च करना है YouTube, ये स्टार्ट कर देना है। आपको कुछ इस तरह से आ जाता है, तो आपका YouTube यहाँ क्रोम में खुल गया। अब आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। अगर आपका साइन इन नहीं रहता, इस तरह से नहीं दिखाता है, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे यहाँ पे साइन इन है, तो दिखा रहा है यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो। तो मैं अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। हटा देता हूँ, तो ये वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक किया। तो ये देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, न्यू टैब, न्यू इंटिगो टैब, बुक मार्क, रिसेंट टैब्स, हिस्ट्री, डाउनलोड्स, शेयर, फाइंड इन पेज, ऐड होम स्क्रीन, डेस्कटॉप साइट, सेटिंग्स, हेल्प एंड फिटनेस। इनमें से आपको बाकी सबसे नहीं, सिर्फ डेस्कटॉप साइट से मतलब रखना है। और ये वाले ऑप्शन पे, बॉक्स वाले ऑप्शन पे डेस्कटॉप साइट के बगल में पिक क्लिक कर देना है, उससे आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ये देखिए, कुछ कंप्यूटर जैसा खुल जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर का बोलते हैं, तो कंप्यूटर का जिस तय उस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ। जूम करने पे, यहाँ आने पे, आपका जो चैनल का लोगो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला चैनल का लोगो, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये अभी खुल रहा है, रुक जाइए। और ये खुल गया, तो देखिए यहाँ पे आपको कमेंट्स आ जाएगा, कौन कौन आपको सब्सक्राइब किया है, सभी आ जाएंगे। फिर आप थोड़ा जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एक दिखाई देगा। ये नया निकला है अभी ही, तो ये अभी आप सभी के स्मार्टफोन्स में नहीं आया है, तो नया निकला है इसलिए ये अभी सभी के स्मार्टफोन में नहीं आया है। तो आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, कस्टमाइजेशन नाम है इसका, क्लिक कर दिया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे ऊपर में, पहला लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। आपको ब्रांडिंग पे क्लिक करना है। ये देखिए, ब्रांडिंग पे क्लिक करने पे वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन आ जाएगा, कि वीडियो के नीचे में इस तरह आपको कौन सा, आपको फ़ोटो चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे चेंज की जगह पे लिखेगा चूज़, यहाँ पे इस चेंज की जगह पे चूज़ लिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसी को चूज़ कर लीजिए, और आप कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर दीजिए, आपको जो अपने आपके चैनल का फ़ोटो है सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे मैं अपने चैनल का फ़ोटो ये लेता हूँ, ये गया, यहाँ पे मेरे चैनल का फ़ोटो, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे फिर इसे क्रॉप, आप जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कैसे भी, और डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये आ गया, फिर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, आपको वीडियो के एंड में डालना है या फिर आप स्टार्ट टाइम रखेंगे कि टाइम जब हमारा वीडियो स्टार्ट होगा उसके एक मिनट तक रहेगा, उसके बाद हट जाएगा और इंटायर वीडियो यानी पूरे वीडियो तक रहेगा। तो इस तरह से हो गया बैनर इमेज, जिसका मैं आपको पार्ट 3 में बताऊँगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।